राधे राधे महाराज जी। गुरु जी पास में करिए भाई, जल्दी बोलिए। मुझे दो तीन सवाल है महाराज जी। बोलो। पहला सवाल यह है महाराज जी, जो कंठी माला हम जब पहनते हैं तो बोलते हैं मेरे, बोलते हैं जो खानदान में नहीं पहना है तो नहीं पहनना चाहिए। अरे खानदान में नहीं, खानदान में कोई सच सब नहीं बोला। मांसाहारी खाते हैं गुरु जी। खानदान में कोई सच नहीं बोला तो आप भी सच नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल, खानदान खानदान, आप माला भी पहनो तुलसी की और सही राह पर भी चलो, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु जी मांस खाने वाले आए हैं क्या कोई? महाराज जी ये बच्चे लोग पातर है ना, तो मेरा सास बोलते हैं जो मतलब माछ मछली छोड़ा दिया इसीलिए पतला हो गया, इसको पापा दिया भी बोलते हैं। जब तुम सास आई हैं आपकी? नहीं सास नहीं, सब खाते हैं गुरु जी। पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ, आओ, इनके पति कहाँ हैं? मायके में भी गुरु जी सब खाते हैं। अरे इनके पति कौन है, हाथ उठा लो। अरे लाल यहाँ आओ, इस तरफ से घूम के जल्दी फास्ट। पति माछ मछली नहीं खाती है थोड़ा। हाँ। जल्दी आओ, पति मांस नहीं खाते, अच्छे हैं आपके पति, बस शराब पीते हैं। हाँ सब कुछ खाते हैं सब। जल्दी आओ यहाँ, जाओ उनको माइक दो यहाँ फास्ट। अबे फूल खर्चा करते हैं गुरु जी। कैसे कैसे? यही सब में बोलते हैं बचाने के लिए। तो कितना कितने रोज पीते हैं? पीते नहीं है, खाते पीते है खैनी गुटका। खैनी गुटका, आप बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? शंकर। संतन? शंकर शंकर शंकर। तो शंकर जी काहे तुम मांस शराब पीते हो? पहले करता था, आपने करता। आप कब से नहीं पिए? आखिरी बार कब पिए थे? दिसंबर में पिया था। दिसंबर में 2023 में? हाँ जी। सही, उसके बाद नहीं पिए? उसके बाद मन होता है कि नहीं? होता है लेकिन फिर नहीं पीते। नहीं पीते। और क्या खाते पीते हो? बस ये दाल चावल। दाल चावल, दाल चावल में थोड़ा गुटखट का भी मिला के खाते हो? हैं? खाते तो थे। खाते थे कि खाते हो? नहीं खाते थे, अब नहीं खाते, बंद कर दिए गुटखा। हाँ जी। दांत बिल्कुल काले हो गए हैं आपके। हाँ उसके। तब दांत साफ कैसे कराओगे? वो डॉक्टर से बात किया हूँ। नहीं डॉक्टर से नहीं, आपके दांत काले हो गए हैं ना, उनके पास जाओ जो कहते थे दाने दाने में केसर का दम, उनको दिखाओ दांत, देखो तुम्हारे केसर के चक्कर में हमारे दांत लाल काले हो गए। उन्हीं से बोलना कि तुम ही साफ करके दो, है ना? हाँ जी। गुटखा खाना सही है? नहीं सही नहीं। और क्या बीड़ी पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा, चिलम गांजा पीते हो? अच्छा तभी दुबले पतले हो। गांजा पीते हो? पहले पीता था। सब पहले ही करते थे, अब क्या करते हो? अब बंद कर दिया सब। सही बताओ, पूछ ले पत्नी, बताओ इनकी पत्नी। डॉक्टर से दिसंबर में दिखाए थे, डॉक्टर बोले इन्फेक्शन हो गया ही नहीं, ये खाते पीते। तो अभी गांजा पीते हैं ये? आप पीते हैं तो हम देखते नहीं है गुरु जी, लेकिन आत्मा जाने। तो ये कह तो रहे हैं कि हम नहीं पीते। कहते रहे ऐसा ही बोलते हैं, छोड़ देंगे सब कुछ, लेकिन नहीं छोड़ते। भैया छोड़ देना, देखो आपका शरीर बिल्कुल दुबला हो गया है। इसको माँ बोलती है जो माछ मछली छोड़ा दिया है इसीलिए है दुबले पतले, बच्चे दिया भी बोलते हैं, इनको दिया भी बोलते हैं। देखो हम तो मांस मदरा नहीं खाते पीते, फिर भी देखो शरीर ठीक है, दुबले पतले नहीं है। तो घर में कलह होता है गुरु जी। बेटा मांस नहीं और शराब नहीं, और हर गांजा सबसे घटिया चीज गांजा है, ठीक है? शराब गांजा सब गंदी चीजें हैं। अच्छे से बनो, देखो आपका शरीर बनाओ बढ़िया, खाओ पियो, बच्चों का भविष्य आपसे जुड़ा हुआ है, आप हैं तो बच्चों का भविष्य अच्छा है। बीमार हो जाओगे तो फिर कौन दवाई कराएगा, कहाँ जाएगा आपका परिवार, बिखर जाएगा। और गुरु जी लड्डू गोपाल रखे हैं हम घर में, तो पूजा करते हैं, लेकिन घर में ये सब बनते हैं। और अपनी माँ को समझाना कि किसी हत्या काहे करती है मच्छी, बोलते हैं बोले सब खा रहे हैं, सब बोलते हैं बोले सब कहाँ खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, बोलते हैं सब भक्त लोग थोड़ी खा रहे हैं, हमको बोलते हैं तुम छोड़ दियो तो सबके छोड़ाना चाहती हो, सब बोलते। हाँ तो बोले हर सबको छोड़ देंगे, क्या बुराई है? मेरे माँ के में भी मेरे भाई इतना खाते पीते हैं, मैं अपने भाभी को बोलती हूँ कोई गुरुजी ले ले जाएंगे, तो मेरे भाभी कहते हैं जे यहाँ पर नहीं जाएगा, जिस पर छोड़ा देंगे यहाँ पर बिना पति नहीं जाएगा। मेरे हाँ। भाभी भी बोलते हैं मेरे भाई खूब खाते पीते हैं। तो भाभी भी खाती है मछली? हाँ खाते हैं। मुर्गा भी खाती है? सब कुछ खाते हैं, बिटंडी बहुत गुरुजी, लेकिन खाते हैं।
तो मतलब सब खा जाते हैं? सब खाते हैं सब, तो मायके में तो खूब चलता है, थोड़ा ससुराल में तो कंट्रोल है। सब चीजें तो कुत्ता खाता है, लेकिन लाइफ सुन रहा है गुरुजी भाई, सब चीजें तो कुत्ता खाता है। और यदि आज का इंसान सब चीजें खाएगा तो फिर कुत्ते में और इंसान में अंतर क्या रहेगा? मेरे बड़ी वाली बहन है, वो छोड़ दिए है सब कुछ, वो समझाते हैं तो मेरे बहन से लड़ने लगते हैं। अब आप मायके जाओगी तो आपकी भाभी कहेगी लो मेरी शिकायत करके आई है मेरी ननद, अब ननद भाव जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तो नहीं होगी गुरु जी, अच्छा बात सिखाते हैं लेकिन नहीं मानते हैं। सही, आप तो अच्छी हो, आप तो अच्छा सिखा रही हो। अब उनकी बुद्धि जैसे दुर्योधन नहीं सुनता था किसी की, यही बात नहीं समझता था, ऐसी है ये आज के दुर्योधन। आई मेरा भतीजा भी है, मेरा भाई से ज्यादा मतलब इसको, मतलब जैसे मेरे भाई खाते हैं, भतीजा भी लोग के ज्यादा मन होते हैं खाने के लिए, तो वो भी खाता है, सब खाते हैं गुरु जी। खाएगा मायके में सिर्फ मेरा बहन नहीं खाती है, बड़ी वाली बहन, नहीं तो सब खाते हैं, बच्चे लोग सब खाते हैं। तो आपकी बड़ी बहन मायके में रहती है? बड़ी बहन के यहाँ थोड़ा कुछ दिक्कत है तो इसीलिए यहीं पर रहते हैं। अच्छा, पति साथ नहीं रहते क्या? हाँ रहते हैं साथ पति है। तब वो भी मायके में रहते हैं? हाँ मायके में है, लेकिन घर अलग बनाए हैं गुरु जी। अच्छा, हाँ घर अलग बनाए, फिर ठीक है। और गुरु जी मैं आपको मतलब अथी एक बोरी सीमेंट का सहयोग करना चाहती हूँ। वाह बढ़िया, अच्छा विचार है, भगवान आपको सुखी रखे। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे।